लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएं होती है, परंतु इस योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाता। राजस्थान के राजसमंद जिले के कालीवास पंचायत के कोलर गांव में शमशान घाट में के विकास के मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों को जलाते समय लोगों को केरोसिन, पेंटोल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस कारण लोगों को नुकसान होता है। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से इस समस्या के बारे में। पानी भरा रहता है, नाव से जलाने में दिक्कत रहती है और रोड सही नहीं है, समस्या में बहुत दिक्कत रहती है, पानी भरा रहता है। रानी जी के ऑफ हो गए थे तब हुआ था, ऐसे बारिश के मौसम में ऑफ हुए थे तब उन्होंने जलाने में बहुत तकलीफ आई थी, डीजल लाने में और टायर वायर लाए, बाकी आदि आदि सामान चक्कर वक्कर लादी में ये सब लाए थे, फिर बाद में ये डाल भी थी जलाया था हमारे, ये 3-4 हज़ार रुपये का ऐसे खर्चा हो गया था। भाई चाहे ऐसा ये सुविधा होती तब मेरे पास इतना पैसे खर्च नहीं करना पड़ता, हमारा नुकसान नहीं होता। कोलर गांव के शमशान घाट का पूर्णतः विकास न होने के कारण लाइट, सड़क व शमशान घाट का पूर्णतः संरक्षण के अभाव में लाशों को जलाने के लिए लोगों को रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कालीवास पंचायत के सरपंच महोदय वसंती गमती से निवेदन करता हूं, जिनके नंबर है 70-23-44-14-94, कि कोलर गांव के शमशान घाट का पूर्णतः विकास कराए ताकि लोगों को मुसीबतों और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैं शंभू राजस्थान के राजसमंद जिले के कालीवास पंचायत के कोलर गाँव से इंडिया अनहट के लिए।